नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की उदय तिथि सप्तमी और गुरुवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज सुबह 6:49 तक थी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग गई थी। आज भोर 4:45 तक वृद्धि योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 2:59 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। आज सूर्य षष्ठी व्रत यानी छठ पूजा का पारण है, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्ती किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 नवंबर की शाम 4:31 से अगली सुबह 6:17 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं है। अब ये योग 5 दिसंबर की सुबह 6:02 से अगले दिन की सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 नवंबर की सुबह 6:43 से सुबह 7:02 तक और फिर सुबह 9:20 से दोपहर 3:25 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 नवंबर की सुबह 9:16 से सुबह 10:11 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:20 से दोपहर 1:03 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 नवंबर की सुबह 9:20 से दोपहर 1:07 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 नवंबर की सुबह 6:43 से सुबह 7:02 तक और एक बार फिर सुबह 9:20 से दोपहर 1:07 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 6:16 से शाम 7:37 तक और एक बार फिर रात 9:52 से कल सुबह 6:42 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 नवंबर की दोपहर पहले 11:16 से दोपहर 3:51 तक और फिर शाम 5:26 से रात 11:57 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 नवंबर की सुबह 6:43 से सुबह 7:02 तक और एक बार फिर सुबह 9:20 से दोपहर 2:34 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 10:49 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर 1:26 से दोपहर 2:47 तक, मुंबई दोपहर 1:47 से दोपहर 3:12 तक, दोपहर बाद चंडीगढ़ दोपहर 1:27 से दोपहर 2:47 तक, लखनऊ
दोपहर 1:12 से दोपहर 2:34 तक, भोपाल दोपहर 1:27 से दोपहर 2:50 तक, कोलकाता दोपहर 12:44 से दोपहर 2:08 तक, अहमदाबाद दोपहर 1:47 से दोपहर बाद 3:10 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:20 से दोपहर 2:46 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज किसी दूसरे की ज्यादा आलोचना करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो परिस्थितियां आपके विपरीत बनेंगी। आज आपके लिए कोई फैसला करना कठिन होगा। शाम को माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए जाएंगे। दवाइयों के व्यापार में आपको उम्मीद से अधिक लाभ होगा। आज अपना हर काम खुद करने की कोशिश करें, किसी और पर न थोपें। छात्रों को आज किसी विषय को समझने में सीनियर्स की सहायता मिलेगी। लव मेट्स एक दूसरे का सम्मान करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज राजनीति से जुड़े लोगों का सामाजिक स्तर पर रुतबा बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए किसी मित्र से आर्थिक मदद मिलेगी। ऑफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत रहेगी। आज की गई मेहनत का भविष्य में आपको फायदा मिलेगा। आज आपको घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। आज आपकी सेहत में सुधार होगा। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज आप काम के प्रति बेहद एक्टिव रहेंगे। आप खुद को ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। जरूरतमंद की मदद के लिए आप हर संभव कोशिश करेंगे। आपका पॉजिटिव व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा। आज किसी जरूरी काम से भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन काम में सफलता मिलेगी। कृषि के क्षेत्र से जुड़े लोगों को धन लाभ होगा। इस राशि की महिलाओं को आज किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। किसी नई खबर पर काम करने को मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आप अपने डेली रूटीन में बदलाव करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको फायदा होगा। सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। आपको करियर में सफलता मिलेगी। आज आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर घर खरीदने की प्लानिंग करेंगे। ऑफिस में अधिकारियों से सम्मान मिलेगा। बच्चे आज ऑनलाइन कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आज किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। दांपत्य जीवन में नयापन आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आपसी विश्वास और सहजता के सहारे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। इस राशि की महिलाओं को आज के दिन कोई खास खुशखबरी मिलने वाली है। करियर के लिए आज आपका दिन मील का पत्थर साबित होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। ऑफिस में सबके साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आज आपकी मन की इच्छा आपके जीवन साथी पूरा करने की कोशिश करेंगे। घर में सुख शांति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उनके अनुकूल रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आप आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो आप जॉब चेंज करने का मन बनाएंगे। आज आपका खुशमिजाज व्यवहार लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड रुके हुए काम किसी दोस्त की मदद से पूरे हो जाएंगे। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है। मेहनत के बल पर आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिसे पूरा करने में आपको परिवार वालों का सहयोग भी मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज नए व्यवसाय शुरू करने के अवसर मिलेंगे। जियोग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। दोस्तों से पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी आपको कोई ज्वेलरी उपहार में दे सकता है। महिलाएं आज ऑनलाइन शॉपिंग करेंगी। आज आपके आसपास चहल पहल रहेगी, लेकिन इन गतिविधियों पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपको एक साथ कई काम संभालने पड़ेंगे। परिवार के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 4।
वृश्चिक राशि वालों, आज आपके चुलबुले व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। आज आपको किसी अच्छी कंपनी में काम करने का ऑफर मिल सकता है। छात्र आज कोई नया कोर्स ज्वाइन करने का मन बनाएंगे। ऑफिस का काम आज आप समय से पूरा करने की कोशिश करेंगे। शाम का समय भाई बहनों के साथ बिताएंगे, साथ ही बहन से किसी काम को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद भी मिलेगी। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज किसी काम को करते समय आपको अपने मन को शांत रखना चाहिए। आज पैसों से जुड़े बड़े फैसले आपको सोच समझ कर लेने चाहिए। आज किस्मत के भरोसे आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। नौकरी पेशा वालों के लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कई दिनों से चली आ रही आर्थिक समस्याएं आज सुलझ जाएंगी। आज शत्रु पक्ष आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे। कुल मिलाकर आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आप किसी नए काम की शुरुआत करने पर परिवार के सभी सदस्य आपसे खुश होंगे। किसी रुके हुए काम में सहायता मिलने से आपको राहत महसूस होगी। सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। कुछ घरेलू सामान की खरीदारी करनी पड़ सकती है। आज आप शाम को बच्चों के साथ घूमने के लिए पार्क जाएंगे। मित्रों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी अनबन होने की संभावना है, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। दांपत्य जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आप किसी जरूरी काम को पूरा करने में सफल होंगे। बिजनेसमैन के लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। रोजगार के मामले में आप किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेंगे। करियर से रिलेटेड आपको कई अच्छे मौके भी मिलेंगे। आपकी कोई जरूरी प्लानिंग सफल होगी। आज किसी काम को संतुलन बनाकर करने से वो काम समय से पहले पूरा होगा। आज आपका कोई खास दोस्त आपसे मिलने आपके घर आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज किसी व्यक्ति से आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा। थोड़ी मेहनत से किसी बड़े धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े बुजुर्ग की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। लव मेट्स के लिए दिन खास रहने वाला है। आज आपको किसी समाजसेवी संस्था में सहायता करने का मौका मिलेगा। इससे समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। छात्रों को शिक्षकों का सहयोग मिलेगा, साथ ही किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भी भरेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सिर पर टोपी या पगड़ी पहने, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को गुड़ खिलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपको तरक्की के नए साधन मिलेंगे जिससे आपका करियर बेहतर होगा। मूलांक 2, आज बड़े बुजुर्गों की सलाह मिलेगी जिससे आपकी परेशानियों का हल मिलेगा। मूलांक 3, अपने दांपत्य रिश्तों में ताजगी भरने के लिए आज का दिन बेहतरीन है। मूलांक 4, आज सेहत से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी जिससे आप राहत महसूस करेंगे। मूलांक 5, आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी, उनसे कोई अच्छी सलाह मिलेगी। मूलांक 6, परिवार में नया सदस्य आएगा, घर पर छोटी सी पार्टी का आयोजन करेंगे। मूलांक 7, बच्चों को कहीं बाहर घुमाने ले जाएंगे जिससे वो बहुत खुश नजर आएंगे। मूलांक 8, समय पर ऑफिस पहुंचना अच्छा रहेगा, नहीं तो फाइल भरना पड़ सकता है। मूलांक 9, दूसरों के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दक्षिण दिशा में खिड़की बनवाने के बारे में। आखिर वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में खिड़की बनवाना अशुभ क्यों माना जाता है? इस दिशा में खिड़की क्यों नहीं बनवानी चाहिए? और अगर पहले से बनी है या बनवाएंगे तो उसके क्या प्रभाव होंगे? दक्षिण दिशा को यम यानी मृत्यु के देवता की दिशा माना गया है, इसलिए इस दिशा को अशुभ कहा जाता है। अगर इस दिशा में खिड़की बनवाएंगे तो इसका हानिकारक प्रभाव घर के सदस्यों पर ही पड़ता है, क्योंकि ये दिशा नकारात्मकता से भरी होती है। लेकिन अगर आपके घर में पहले से ही दक्षिण दिशा में खिड़की है, या आपका नया घर दक्षिणमुखी है और इसी दिशा में खिड़की बनवाना आपकी मजबूरी है, तो इसके लिए वास्तुशास्त्र में एक उपाय दिया है। और वो उपाय ये है कि आप उस जगह की खिड़कियों पर अगर हो सके तो मोटा पर्दा लगा लें। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा दक्षिण दिशा में खिड़की बनवाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर जरूर फायदा उठाएंगे। लेकिन देखिए, क्या है फायदा तो आप उठाएंगे, लेकिन आप फायदा तब उठाएंगे जब आप इसको साइंटिफिकली समझ लें। तो
तो एक बार छोटा सा एक व्यू डालते हैं उस पर कि आप क्यों मना करते हैं दक्षिण दिशा में खिड़की, क्यों कहते हैं कि उत्तर में खोल लो खिड़की, क्यों कहते हैं पूरब में खोल लो खिड़की। देखिए आप ग्लोब देखिए, ग्लोब उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव भारत का नक्शा, और दक्षिणी ध्रुव भारत का दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, तीन तरफ से समुद्र है और उत्तर में हिमालय है। तो उत्तरी ध्रुव से आने वाली तरंगें भारत भूमि पर कम पहुंचती हैं, हिमालय से टकराकर लौट जाती हैं, बड़ी डिफ्यूज्ड तरंगें आती हैं। दक्षिण दिशा से आने वाली तरंगे बेरोक टोक हमारे ऊपर से गुजरती हैं और चली नहीं जाती, हिमालय से टकरा के फिर लौटती हैं। तो अब अगर हमारे घर में दक्षिण या दक्षिण पश्चिम खोल, दक्षिण पश्चिम तो एकदम एंट्री ऑफ इविल है। अब देखो क्या है कि हमको उधर से आने वाली तरंगे दो बार मिल रही, लेकिन चाइना को बड़ी डिफ्यूज भी मिल रही है और उनके लिए उत्तर पूर्व खुला हुआ है। तो इसीलिए आप चीनी वास्तु में देखिए तो उत्तर पूर्व को क्लोजली टाइट करके और दक्षिण पश्चिम को खोल कर रखने की बात कही गई, और हमारे वास्तु में दक्षिण पश्चिम को क्लोजली टाइट और उत्तर पूर्व को खोल कर रखने की बात कही गई है, क्योंकि हिमालय की वजह से हमारा और उनका वास्तु उल्टा हो गया है। तो दक्षिण की खिड़की खोलेंगे तो उधर की तरंगे भर 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 भर, भर एकदम समझिए कि आपको ओवरडोजिंग हो जाएगी साउथ से की इलेक्ट्रो। अच्छा, हमारे शरीर में माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, उस माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन पर प्लैनेट अर्थ पर रहने वाले सभी जीव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसके बैलेंस से आपका माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये बड़ा रोल, इसका जबरदस्त रोल है माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में। तो अगर आपको एक पोल से आने लगे तरंगे ज्यादा मिलने लगेंगी तो आपका माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, और माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में लीड टू अनसक्सेस, इट मे लीड टू वेरियस एलिमेंट्स एंड इट मे लीड टू डेथ टू। अगर मन और शरीर का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाए तो आपके जीवन में बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं, आर्थिक हानि हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज छूट सकती हैं, आपको निराशा हो सकती है, बहुत तरह की बीमारियां घेर सकती हैं, और यम की दिशा है इसीलिए उसको मृत्यु माना गया है। कोई जरूरी नहीं कि शरीर की मृत्यु हो जाए, मन की भी मृत्यु हो सकती है। आदमी बहुत तरह से मरता है, सिर्फ एक अगर आदमी का मन मर जाए तो भी आदमी मर जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर सका कि आप दक्षिण दिशा में खिड़की क्यों ना हो, और अगर खिड़की है तो क्यों उसको बंद रखें, क्यों अपने घर में दक्षिण दिशा में या दक्षिण पश्चिम में खिड़की ना बनवाएं। लेकिन अगर किसी ने पहले से मकान है और दक्षिण मुखी मकान है तो क्या करेंगे, हनुमान जी के फोटो लगाइए, दरवाजे को पर्दे लगाइए, इस तरह बैलेंस कर लिए, उत्तर पूर्व में शीशा लगाइए, मिरर लगाइए। हमने बहुत से उपाय आपको बहुत समय तक बताए, अब आज तो हमने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि वजह क्या है कि क्यों मना करते हैं। अब आगे चलते हैं, और अब आज की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की उदया तिथि सप्तमी और गुरुवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज सुबह 6:49 तक ही थी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग गई थी, फिलहाल अष्टमी तिथि चल रही है। आज भोर 4:45, आज भोर, आज मीन्स अब आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह, कल भोर 4:45 तक वृद्धि योग रहेगा। वृद्धि यानी बढ़ोतरी, यानी आज का दिन किसी भी काम में अपनी बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छा है। इस योग में किए गए काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती, बल्कि उसमें बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती है। साथ ही आज दोपहर 2:59 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। श्रवण आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 22वां नक्षत्र है, इसका अर्थ है सुनना। ये नक्षत्र सुनने और सीखने जैसी विशेषताओं का प्रदर्शन करता है, इसका प्रतीक चिन्ह कान को माना जाता है। वनस्पतियों में इसका संबंध मदार के पेड़ से है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज श्रवण नक्षत्र के दौरान मदार के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उसे हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा वृद्धि योग और श्रवण नक्षत्र की, और अब बात करते हैं आज सूर्य षष्ठी व्रत यानी छठ पूजा के पारण की। आज सूर्य षष्ठी व्रत यानी छठ पूजा का पारण
है। दरअसल आसुर षष्ठी व्रत के आखिरी दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर पारण करने का विधान है। आज सूर्योदय सुबह 6:41 पर हो चुका है, लिहाजा अधिकांश लोगों ने व्रत का पारण कर भी लिया होगा। एक बार फिर बता दूं कि श्रद्धा भाव से किए गए छठ के व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिनकी पहले से संतान है उनकी संतान को लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। साथ ही छठ का व्रत करने वाले व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। सूर्य देव की सीधी कृपा उसे प्राप्त होती है। ये तो हुई छठ पूजा के पारण की चर्चा, और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले दुर्गा अष्टमी और गोपाष्टमी व्रत के बारे में। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है, और आज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, लिहाजा आज दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। आज माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। कहते हैं इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ जो भी व्यक्ति माँ दुर्गा की उपासना करता है, देवी माँ की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं और जीवन में चल रही किसी भी समस्या का समाधान निकल आता है। इसके अलावा आज गोपाष्टमी व्रत भी है। कहते हैं इस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गौ चारण लीला शुरू की थी, आज गायों की विशेष रूप से पूजा करने का विधान है। आज ऐसा करने से प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं, सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में उन्नति होती है। आज गाय माता को स्नान कराकर उनका श्रृंगार करना चाहिए और उचित प्रकार से उनकी पूजा करके आशीर्वाद लेना चाहिए। लिहाजा आज दुर्गाष्टमी और गोपाष्टमी के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप अपने धन में बढ़ोतरी के साथ साथ तरक्की की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो आज 1 साबुत हल्दी और 5 सफेद पौड़ियां लेकर गाय के माथे से छुआकर अपने घर में रख लें। साथ ही अपने धन की बढ़ोतरी और तरक्की के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन में बढ़ोतरी होगी और साथ ही आपकी तरक्की भी होगी। अगर आप अपने परिवार से जुड़ी किसी समस्या का हल जल्दी से जल्द निकालना चाहते हैं तो आज गाय माता को रोली का तिलक लगाएं और रोटी पर थोड़ी सी खीर रखकर खिलाएं। फिर घर आकर दुर्गा जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज के दिन ये उपाय करने से आपकी पारिवारिक समस्या का हल जल्दी से जल्दी निकल आएगा और आपके परिवार में खुशहाली आएगी। अगर आप अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज आप स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर गाय माता की पूजा करें। सबसे पहले उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं और धूप दीप से गौ माता की आरती करें। इसके बाद हाथ जोड़कर गौ माता को प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका जीवन स्तर बेहतर बनेगा। अगर आप अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको स्नान आदि के बाद गौ माता को पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए और उन्हें उबले हुए चावल में थोड़ा सा मीठा मिलाकर खिलाना चाहिए। साथ ही गौ माता को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। अगर आप अपने घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद गाय माता का श्रृंगार करें, उन्हें रोली का तिलक लगाएं, चुनरी चढ़ाएं, उनके चरणों में फूल चढ़ाएं और उबले हुए चने का प्रसाद खिलाएं। साथ ही कपूर से गौ माता की आरती करें। इसके बाद दुर्गा माँ के इस मंत्र का 5 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। अगर आप अपने बच्चों के जीवन में खुशहाली सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। साथ ही गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अपने बच्चों के माथे पर लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के जीवन में खुशहाली सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने व्यापार में खूब तरक्की के साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी पाना चाहते हैं तो आज गौ माता का विधिवत पूजन करें। साथ ही गौशाला में गायों के निमित्त कुछ दान पुण्य करें और माँ दुर्गा के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। अगर आप अपने सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज गाय माता को नहला धुला कर उनकी सेवा करें।
लेकिन अगर आप ये सब न कर सकें तो अपने हाथों से गौ माता को पानी पिलाएं। परिवार के सदस्यों के सभी कार्यों को बिना किसी बाधा के सफल बनाना चाहते हैं तो आज गाय के उपले पर कपूर का टुकड़ा रखकर पूरे घर में धूप दिखाएं और धूप दिखाने के बाद उपले को घर की दक्षिण दिशा में रख दें। अगर आप सबके साथ प्रेम भाव कायम करना चाहते हैं तो आज आपको ग्वाले को जो गाय चराते हैं या जिन्होंने अपने घर में गाय पाल रखी हो उन्हें बड़े ही आदर के साथ कुछ कपड़े वस्त्र भेंट करने चाहिए, साथ ही उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से सबके साथ आपका प्रेम भाव कायम रहेगा। अगर आप हर तरह की निगेटिव एनर्जी से अपने घर को बचाए रखना चाहते हैं और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपका घर हर प्रकार की निगेटिव एनर्जी से बचा रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। अगर आप अपने बिजनेस संबंधी यात्राओं की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको गौ माता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा लगानी चाहिए और उन्हें गेहूं का दलिया खिलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बिजनेस संबंधी यात्राओं की सफलता सुनिश्चित होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज सूर्य षष्ठी व्रत के पारण, दुर्गाष्टमी और गोपाष्टमी के बारे में। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज देर रात 2:52 से 16 नवंबर की रात 8:15 तक पंचक रहेंगे। आप जानते ही हैं कि पंचक के दौरान लकड़ी या घास इकट्ठी करना, घर की छत बनवाना, दक्षिण दिशा की यात्रा शुरू करना तथा चारपाई बनवाना या खरीदना वर्जित होता है। लिहाजा आप भी 16 नवंबर की रात 8:15 तक इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही आज शाम 6:20 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि भद्रा जिस लोक में स्थित होती है वही प्रभावी रहती है, लिहाजा पाताल लोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गोरखपुर के विष्णु मंदिर के दर्शन। ये मंदिर गोरखपुर शहर के असुरन चौराहे के पास ही बना हुआ है। इसका इतिहास लगभग 600 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन काल में एक चरवाहा अपनी दराती को जंगल में एक काले पत्थर पर तेज करता था। एक दिन उसने उस पत्थर को बाहर निकाला तो पीछे से वो 12वीं सदी की भगवान विष्णु की अष्टभुजी प्रतिमा निकली, लेकिन स्थापित करने से पहले ही उसे अंग्रेजों ने हथिया लिया और कई म्यूजियम से होते हुए ये लंदन के म्यूजियम में पहुंच गई। बाद में रानी श्याम सुंदर कुमारी ने कानूनी लड़ाई लड़ी, तब ये मूर्ति वापस आई जिसमें मंदिर में स्थापित किया गया। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे छोटी गर्दन वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार छोटी गर्दन वाले लोग स्वस्थ रहते हैं और ये लोग कम बोलने वाले, मेहनती और कंजूस होते हैं, साथ ही थोड़ी मंदबुद्धि के होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इनका फायदा आसानी से उठा लेता है। ये लोग काफ़ी फुर्तीले होते हैं, सभी काम तेजी से करते हैं। छोटी गर्दन वाले लोग मनमौजी होते हैं और अपने इरादों के लिए पक्के होते हैं, इसलिए आने वाली समस्याओं का डटकर सामना करते हैं और किसी भी चीज़ से नहीं डरते। वैसे तो ये लोग सीधे साधे होते हैं पर इनके मन मुताबिक कार्य न होने पर गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा छोटी गर्दन वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की उदया तिथि सप्तमी है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। सप्तमी तिथि आज सुबह 6:08 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल अष्टमी तिथि चल रही है। अष्टमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:54 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है, अतः सप्तमी तिथि में आपको खजूर आदि ताड़ के फलों का सेवन करने से बचना चाहिए और कल सुबह 5:51 तक नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय, हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय, त्रिभुवन व्यापकाय, कृमि विष विषाणु कुल उन्मूलनाय, स्तंभोद्भवाय, समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हनान, कंपय कंपय, मत मत
रिंग रिंग रिंग, फट फट ठा ठा, एहे रुद्र आज्ञा पयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जेब में पीला रुमाल रखे सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।